अब मेरे साथ हप्पू जी हैं और वो कहीं गुम हैं, कुछ खास ढूंढ रहे हैं अपनी फैमिली के लिए। चलिए उनसे पूछती हूँ क्या खास है। सर तो भैया जोन घर में नौ ठैया बच्चा हो ना यू कम पड़ जाए, इतना हाल बुरू है। बाकी अगर हमारी पसंद की पूछोगे तो हमें तो सबसे ज़्यादा बेसन के लड्डू पसंद हैं। कैसी कही, एकदम बढ़िया। ये तो इन्होंने अपनी खास चीज़ बताई, लेकिन आप देख लीजिए ये खास खबर। रोहन को ब्लड की जरूरत है, प्लीज आप चलिए और बच्चे को ब्लड दे दीजिए। आपका ब्लड ग्रुप बच्चे से मैच क्यों नहीं करेगा, ये तो अजीब बात है। प्लीज मिस सर चलिए, हम एक बार चेक कर देते हैं। मैम आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, प्लीज हम चेक कर देते हैं एक बार। सीरियल भाग्य लक्ष्मी में अभी अभी तो पारो की कस्टडी को लेकर ड्रामा खत्म ही हुआ था कि अब शो में रोहन को लेकर नया ड्रामा शुरू हो गया है। असली मजा तो तब आएगा जब घर वालों को लक्ष्मी और रोहन के रिश्ते का सच पता चलेगा और इस बात का खुलासा होगा कि रोहन मलिष्का का नहीं बल्कि लक्ष्मी का बेटा है। रोहन का जो राज है वो उसपे से पर्दा उठता दिख रहा है अभी थोड़ा थोड़ा। कितना लंबा सीक्वेंस जाता है, कब खुलता है क्या नहीं है, बट अभी आसार वही लग रहे हैं और रोहन को कहीं ना कहीं आइडिया लग गया कि वो अडॉप्टेड है और लक्ष्मी के लिए बहुत बड़ी न्यूज है। उसे फर्स्ट टाइम पता चल रहा है कि रोहन अडॉप्टेड है, तो आई थिंक वो मेन कंसर्न वही है इस सीन का। अब रोहन के साथ जो हादसा हुआ है उसके बाद ऋषि और बाकी घर वाले उसे हॉस्पिटल लेकर आए हैं। रोहन को खून की जरूरत है, जहां घर वालों का ब्लड ग्रुप रोहन के ब्लड ग्रुप से मैच नहीं होता है। अब ऐसे में सवाल तो खड़े होंगे ही, लेकिन हम आपको बता दें कि अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि लक्ष्मी का जो ब्लड ग्रुप है वो रोहन के ब्लड ग्रुप से मैच होता हुआ नजर आएगा और धीरे धीरे इस राज से पर्दा खुलेगा कि रोहन लक्ष्मी का बेटा है। फैमिली में से किसी का ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा, बट अभी मैंने नहीं पढ़ा आगे, बट आई थिंक लक्ष्मी का ग्रुप कहीं ना कहीं ब्लड ग्रुप मैच करेगा और वहाँ से आई थिंक कहानी शुरू होने के चांसेस है कि रोहन और लक्ष्मी का कुछ है। अगर आप पिछले कुछ सीक्वेंस देखें उसमें लक्ष्मी ने अपने बच्चे खोने की बात करी थी और रोहन आता है और बहुत सेंटिमेंटल सीन हो जाता है वहाँ पर। फिलहाल मलिष्का ने सारा इल्ज़ाम लक्ष्मी पर लगाने की कोशिश तो की है, जहाँ सभी घर वाले भी लक्ष्मी से बेहद नाराज हैं, लेकिन ऋषि जानता है कि लक्ष्मी रोहन से कितना प्यार करती है। तो मलिष्का का काम है, वो अपना काम बेखूबी निभा रही है इल्ज़ाम लगाने वाला लक्ष्मी पे। जैसे मैंने बोला कि अगर पाकिस्तान में भी बॉम्ब ब्लास्ट होगा तो इल्ज़ाम लक्ष्मी पे ही आएगा तो वही हो रहा है। रोहन गिर गया सीढ़ियों से और मैं और ऋषि घर पर नहीं थे। हम आते तो हमें पता चलता कि रोहन की तबीयत खराब है और कुछ इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है, तो उसको हॉस्पिटल लेकर आए हैं अभी। अभी तक तो लक्ष्मी के सामने ये सच आया भी नहीं है कि रोहन उसका बेटा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसका कितना ख्याल रखती है। लेकिन आने वाले ट्रैक में जब सच लक्ष्मी के सामने आएगा तो मलिष्का की ये चाल पूरी तरह से फेल हो जाएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।